सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे गवर्नमेंट जॉब सेंटर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के नए एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आप अपने थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आईआरबी बम्पर भर्ती निकलने वाली है, जिसकी आवेदन 2020 से शुरू हो जाएगी। इसकी ऑनलाइन तिथि के बारे में बना हुआ, किस दिन से आवेदन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, सब कुछ बताऊंगा। इसके पहले जरूरी बात आपके लिए, आप अगर मेरे इस चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने जो बेल आइकन दिख रही है उसको दबा कर मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि आप अपने थंबनेल में देख पा रहे, आईआरबी रिक्रूटमेंट 2019 में बम्पर भर्ती निकलने वाली, जिसकी नोटिफिकेशन निकली है, उसमें जो पोस्ट होगा दोस्तों, इस बार 17,000 से ज़्यादा पोस्ट होगा दोस्तों, 17,000 से ज़्यादा होगा। उसके बाद बात करें तो ये जो वैकेंसी ये है कौन कौन स्टेट्स के लिए का, जैसे कि बता पा रहा हूँ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, ये 5 स्टेट्स के लिए इसके ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसकी ऑनलाइन 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो नेम ऑफ पोस्ट होगा दोस्तों, ये आईआरबी होगा यानी इंडियन रिजर्व बटालियन, 10वीं पास। उसके बाद देखा जाए इसमें टोटल वैकेंसी होगी दोस्तों, इसमें 17,000 टोटल वैकेंसी होगी, 17,000 इसमें टोटल आपकी वैकेंसी होगी, 17,000 टोटल वैकेंसी होगी। उसके बाद बात किया जाए अगर ऑनलाइन अप्लाई की, इसमें ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, स्टार्टिंग डेट अपडेट शुरू यानी इसकी आवेदन तिथि जल्द 2020 में शुरू हो जाएगी। इसके जॉब कैटेगरी की बात करें तो ये सेंट्रल जॉब है, एक सेंट्रल जॉब है, पुलिस जॉब है। और लोकेशन बात करी, इसमें पोस्टिंग जो होगी ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, किस स्टेट में कितना वैकेंसी, बात करें जम्मू कश्मीर में 5,000 पोस्ट और छत्तीसगढ़ में 4,000 पोस्ट और उड़ीसा में दोस्तों 3,000 पोस्ट, झारखंड में 3,000 पोस्ट। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के में 2,000 पोस्ट, टोटल 17,000 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जैसे योग्यता की बात करी जाए तो योग्यता जैसे कि आप देख पा रहे हैं, योग्यता होगी दोस्तों लगभग आपकी 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि 10वीं पास वाले ही इसमें लगभग अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास के लिए भी ये एलिजिबल है दोस्तों। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट मिनिमम एज है 18 ईयर, मैक्सिमम है 25 ईयर। ओबीसी के लिए 3 साल के आरक्षण है दोस्तों, और SC ST जो हमारे कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की इसमें आरक्षण दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए, पहले होगा दोस्तों PST वाली फिजिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्पेंसी टेस्ट फिजिकल, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट यानी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिए, तो ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। स्पोर्ट्स यानी NCC कोई भी सर्टिफिकेट आप लेंगे स्पोर्ट्स की, तो इसमें भी आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। इसके बाद NCC की सर्टिफिकेट ला सकते हैं, रिटन एग्जाम भी इसके बाद होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों, इसके बाद आपका जो फाइनल फाइनल जो आपकी इसके बाद होता है फाइनल चीज़ भी, फाइनल यानी आपका जो मेरिट लिस्ट में, इसके बाद आपको मेरिट लिस्ट भी निकल जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें जो तो इसकी तिथि के बारे में बात करिए, तो तिथि दोस्तों ये जल्द से जल्द irb.gov.in पर इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो अपडेट किया जाएगा, तो तब तक आपको इंतज़ार करता रहना। ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड इसमें ज़्यादा वैकेंसी होगी दोस्तों, और जम्मू कश्मीर और उड़ीसा के लिए भी इसमें प्रावधान जैसे कि इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसी होने वाली है, तो इस जॉब को मिस करने का नहीं कीजिएगा। और जब से इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गई तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, यार कैसे अप्लाई कर सकते इसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।